झुकना पड़ेगा साहब के आगे, झुकना पड़ेगा साहब के आगे, झुकना पड़ेगा साहब के आगे, झुकना पड़ेगा। लीडर लीडरों को पुर करो, पुर करो, पुर करो, आवाज दो, लेके एसआरआई 100 लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, आवाज दो, लेके आवाज दो, लेके आवाज दो, लेके तुम्हारे साथ है नजार साहब, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, छीन कर लेंगे अपना हक, कट कर लेंगे अपना हक, मुलाजमी जिंदाबाद, आवाज दो, लेके आवाज दो, जे एंड के पावर एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले आज प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में सन्नी शिरवार 9 तारीख को जो आप ये प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं, आज 5 नुक्तों पर अपनी डिमांडों को रखते हुए वक्त की सरकार और पावर इंतजामिया तक हम इन डिमांडों को रखना चाहते हैं, जिसमें रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजर्स और अनपेड और लेफ्ट ओवर केसेस जो अपनी सैलरीज से अपने वेज से महरूम हैं, इनके फौरी तौर सैलरीज को उजरा करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जीपी फंड में परेशानियां जो मुलाजमीन फेस कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो दो दो महीनों से अब सैलरीज से महरूम मुलाजमीन अपने अहलोयाल के साथ फाका कशी पर मजबूर हो चुके हैं, वो अपने बच्चों की तालीम को यकीनी नहीं बना पा रहे हैं। इसके साथ साथ जो प्रमोशनों का एक कसीर तादाद 20 साल से ज़ायद डीपीसियां नहीं हो रही, जो 2019 में डीपीसी क्लियर हुई थी उसके भी ऑर्डर्स आज तक उजरा नहीं हुए थे। हम सलाह समझौते से और अपनी गुहारों को वक्त की सरकार और पावर इंतजामिया तक लेते हुए इनका अजाला करने के लिए सिर्फ गुजारिशात का हवाला देंगे, लेकिन अब एक ऐसा मोड़ आ चुका है जहां मुलाजमीन अब सड़कों पर अपने अहलोयाल के साथ आने के बगैर कोई चारा नहीं रखते। ये हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि सरकार ने हमारे साथ जो अग्रीमेंट किया है वो बिल्कुल उस पर उन्होंने अमल नहीं किया, इसलिए आज 2021 के बाद आज हम पहली बार प्रेस गली में जमा हुए, क्योंकि सरकार अगर हमारे मुतालबात हल किए होते तो आज हम जमा नहीं होते। इसे उनको डीपीसी किया गया लेकिन आज तक उनके आदर्श उजरा नहीं हुए। जो हमारी खाली पड़ी वैकेंसी महकमे में है उस पर अभी तक डीपीसी नहीं हुई, क्योंकि हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं खासकर जिसमें एमआर जाते हैं, सरकार वो एमआर अब अबॉलिश करने जा रहे हैं। मैं सरकार से अपील करता हूँ एसआरओ 381 के तहत जो पहले से आप महकमे में डिजिग्नेशन है उनको बहाल किया जाए, और जो जीपी फंड रुका हुआ है अभी तक ट्रेजरीज में उनको रिलीज किया जाए, और जो चिल्ड्रन अलाउंस है सभी महकमे के मुलाजिम ने लिए हैं, लेकिन महकमे बिजली के मुलाजिम मारिश से आज तक सफर कर रहे हैं। मैं सरकार से अपील करता हूँ जो चिल्ड्रन अलाउंस है उसको पूरी तौर रिलीज किया जाए और डेली वेजरों को रेगुलर किया जाए और अनपेड मुलाजिमों को पूरी तौर उनको वेजेस अदा किया जाए, और जो जीपी फंड है उसको पूरी तौर ट्रेजरी उसे मतलब वागुजार किया।